क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में बुलडोजर कल्चर का होना सही है? बुलडोजर कल्चर किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है या देश के नियम कानून पर चल रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पर चल रहा है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। Restarted with the demolition drive. They are saying that they still haven't received the copy of order from the Supreme Court and till the time they receive the. उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुलडोजर से पॉलिटिकल मैसेज देने की कवायद मध्य प्रदेश से होते हुए अब दिल्ली के जहांगीरपुरी तक जा पहुंची है। जहांगीरपुरी में जब नगर निगम अधिकारियों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने का काम शुरू किया तो उन्हें MCD एक्ट के प्रोविजन का पालन करना चाहिए था। MCD एक्ट में इस बात का साफ साफ जिक्र है कि किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। किसी भी पक्के कंस्ट्रक्शन के लिए नोटिस का टाइम पीरियड कम से कम 5 से 15 दिन का होता है। वहीं नोटिस ना देने की छूट सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में होती है जब कंस्ट्रक्शन टेम्प्रेरी हो। लेकिन यहाँ पर आयरनी ये है कि मध्य प्रदेश से लेकर के जहांगीरपुरी तक जो पक्के कंस्ट्रक्शन गिराए गए हैं ना तो उनके मालिकों को नोटिस दिया गया और ना ही उन्हें नोटिस के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करने का मौका। और वहीं पर मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी की तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। घटना के इस अगले दिन जिन घरों से ऐसी पत्थरबाजी हुई उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया। लॉजिक ये दिया गया कि ये सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन था। कुछ लोगों ने सरकार के इस हार्श स्टेप का सपोर्ट किया तो कुछ ने इस कार्रवाई को लीगली अप्रूव नहीं माना। वहीं मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा से जब इस बारे में एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका जवाब ये था कि हमने कानून के मुताबिक ये किया है। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि किस कानून के तहत सरकार को ये राइट है कि बिना कोर्ट गए खुद ही कार्रवाई कर दे। जब एंकर ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं, उनका जवाब था तस्वीरों में सब साफ दिख रहा है। इसके बाद एकाध सवाल और हुआ और बातचीत ही खत्म हो गई। लेकिन मिश्रा जी का तस्वीरों में सब साफ दिख रहा है वाला जवाब ये कुछ फिट नहीं बैठ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तस्वीरों में दिखने भर से सरकार को इंस्टेंट जस्टिस की छूट मिल जाती है तो कोर्ट का क्या ही रोल है? जस्टिस देना कोर्ट का काम है। यहाँ तो मामला सांप्रदायिक हिंसा और लोगों के घायल होने का है, पत्थरबाजी का था। अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपराधी के खिलाफ जनता का गुस्सा कितना ज्यादा क्यों ना हो, उसके अपराध में शामिल होने के सबूत कितने भी साफ क्यों ना हो, लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चीजें कानून के मुताबिक ही चलती हैं। सबूत के फुटेज कितने भी साफ क्यों ना हो, लेकिन उन सबूतों को देख करके फैसला देना कोर्ट का काम होता है, ना कि सरकार का। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि नागरिक अपने बिहेवियर में भले ही कितना रूड क्यों ना हो जाए, कितना भी गैर जिम्मेदार क्यों ना हो जाए, लेकिन सरकार को ये छूट नहीं होती है कि वो बदले की भावना में आकर के कार्रवाई करते हुए दिखे। जैसे किसान आंदोलन के दौरान हुआ, केंद्र सरकार भले ही कितनी आश्वस्त थी कि फार्म लॉ सही है, केंद्र सरकार के पास इस बात के भी सबूत थे कि कुछ अलगाववादी एलिमेंट इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई ये देख भी रहा था कि किस तरीके से आंदोलन के नाम पे कुछ जगहों को ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ने आखिरी तक बातचीत करके यहाँ पे रास्ता निकालने की कोशिश की। सरकार के पास ताकत होती है, ये ताकत उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाती है। वो जनता के लिए चुनी गई होती है, इसलिए उसी जनता में से कुछ लोग हिंसक ही क्यों ना हो जाएं, सरकार खुद को माफिया बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। उसी तरह कश्मीर में भारत विरोधी कितने भी आंदोलन क्यों ना हो जाएं, इन आंदोलन में आम आदमी की भागीदारी भी कितनी स्पष्ट क्यों ना हो, लेकिन हर भारत सरकार कश्मीरियों को साथ लेकर चलने की वकालत करती है, ना कि ऐसे आंदोलन का एक्सक्यूज दे करके जनता को गाली देने लगती है। मतलब जनता और सरकार के बीच ये ऐसा रिश्ता है जिसमें जनता भले खिलाफ हो जाए, जनता भले उपद्रवी क्यों ना हो जाए, लेकिन सरकार कभी भी अपना बड़प्पन नहीं छोड़ती है। वो अपने ही लोगों से बराबरी पर आकर के कभी बदला नहीं लेती है। इसलिए रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की तस्वीरें भले ही कितनी साफ थी, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पूरी तरीके से कानून का पालन होना चाहिए था। और इसी तरह कार्रवाई करते हुए शायद सरकार भी जानती है कि ये लॉ अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन सरकार को भी शायद पता होता है कि ऐसे सो कॉल्ड बुलडोजर जस्टिस पर उनका वोट बैंक इसको देख के ताली बजाएगा, वो वाह वाह कर उठेगा, वो कहेगा कि ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। बेशक डेमोक्रेसी में अपने वोट बैंक को ऐसा समर्थन किसी भी सरकार को बहुत कॉन्फिडेंस देता है, मगर इस सपोर्ट के गुरूर में उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि डेमोक्रेसी और कमर्शियल सिनेमा में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जनता का क्या है, जनता तो एडल्ट मूवीज को भी देख के बहुत खुश हो जाती है, बहुत ही एक्साइटेड फील करती है, उसे तो फिल्मों में हिंसा भी बहुत पसंद होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसी जनता को खुश करने के लिए आप अपने व्यवहार में थोड़ा अश्लील हो जाएं।
ये अश्लीलता जनता को पसंद बहुत आएगी, वो सीटी भी बजाएगी, चुनावी जीत के तौर पे आपका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसे ये नहीं भूलना है कि सिनेमा की सफलता इस बात पे है कि आप जनता से कितना अच्छा कलेक्शन करते हैं, और सरकार का इस बात पर है कि आप जनता से कितना अच्छा कनेक्शन करते हैं। जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को लग रहा है कि भले ही ये सब लॉ अप्रूव नहीं है, लेकिन उनकी एक टारगेट ऑडियंस है, उनकी टारगेट ऑडियंस यही सब देखना चाहती है। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अपनी जनता को खुश करने के लिए इस सोच नहीं, इस देश की पॉलिटिक्स से लेकर के इंटेलेक्चुअल वर्ग को बहुत ही ट्रिकी बना दिया है। आज इस वर्ग की जिम्मेदारी सच के प्रति ना होकर के अपनी टारगेट ऑडियंस को हरदम खुश करने की है, फिर भले ही उसके लिए कुछ सच को नज़रअंदाज क्यों ना करना पड़े, कुछ जुल्म पे शायद चुप ही रहना पड़े। मगर जिन सरकारों की इकलौती चिंता अगला चुनाव जीतने की है, वो ऐसे किसी भी सच के झंझट में नहीं पड़ते हैं, और यही आज बड़ी चिंता है। समाज अगर यूं ही लोकप्रिय इंसाफ की तरफ बढ़ता रहा तो अगला बुलडोजर हो सकता है शायद कोर्ट पर भी चल जाए। सोचिएगा जरा आप इस बारे में, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।